हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में वो सीखने वाले हैं कंपाउंड जनरल एंट्री कैसे पास की जाती है, इसके लिए क्या स्टेप है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। चलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है। हो गया है। अच्छा बताएं, चलो ठीक है। देखिए बताया जा रहा है कि ऑन 6 जुलाई 2016 सोल गुड्स पर रुपी 50,000 टू आरके ट्रेडर्स पर कैश रुपी 30,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपी 20,000। मतलब क्वेश्चन का मतलब यह है कि 6 जुलाई को कुछ क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। टोटल कितने रुपए का? 50,000 का। टू किसको? आर के ट्रेडर्स। फार कैश नगद जो बेच रहे हैं वो कितने का बेच रहे हैं? 30,000 का। एंड ऑन क्रेडिट रुपी 20,000। मतलब टोटल जो हम बेच रहे हैं गुड 6 तारीख को 50,000 रुपए का बेच रहे हैं, और नगद जो बेच रहे हैं वो 30,000 रुपए का बेच रहे हैं, और जो उधार बेच रहे हैं वो 30,000 रुपए का बेच रहे हैं। अब कैसे इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करेंगे वो ध्यान से सुनना। तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि जब भी सोल्ड गुड्स आ जाए और बेचने की बात की जा रही है तो वहां पे हमेशा सेल्स का अकाउंट बनेगा। किसका बनेगा? सेल्स का अकाउंट बनेगा। और जो सेल्स का अकाउंट है एक प्रकार का नॉमिनल है, क्लियर है। उसके बाद किसको बेच रहे हैं? आरके ट्रेडर्स को। नगर और उधार दोनों है तो आरके ट्रेडर्स का भी नाम बनेगा, आरके ट्रेडर्स। और नगर भी बेच रहे हैं तो कैश का भी बनेगा। किसका बनेगा? कैश का भी बनेगा। तो देखिए आरके ट्रेडर्स है पर्सनल अकाउंट, कैश अकाउंट है रियल अकाउंट, और सेल्स जो है वह है नॉमिनल अकाउंट। तो सेल हमारे व्यापार के लिए आय का स्रोत है, इनकम का एक स्रोत है। और हमने बताया था आपको इनकम को हमको कर देते हैं क्रेडिट। आरके ट्रेडर एक देखो टोटल 25,000 का बेच रहे हैं, लेकिन उधार जो ले रहे हैं 20,000 के ले रहे हैं, 20,000 का सामान या पार्ट है और पाने वाले हैं इसलिए कर देंगे इनको डेबिट। उसके बाद कैश अकाउंट, और कैश व्यापार में 30,000 आ रहा है नगद माल बेच रहे हैं तो भी हम लोग कर देंगे डेबिट। कितने से? 30,000 से। तो देखिए 50 से क्रेडिट होगा, 50 से क्रेडिट होगा कौन? सेल अकाउंट। और 20,000 से डेबिट होगा कौन? आरके ट्रेडर। और यहाँ पे कैश 30,000 से डेबिट होगा, ये सोलूशन है। तो बनेगा क्या? आरके ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, 20,000। कैश अकाउंट डेबिट 30,000 टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, 50,000। पहला जैसे हमने पढ़ाया था ना, सेम वैसे ही इसमें परचेज है और इसमें सेल आ गया। हो गया। तो हमने दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिया। ध्यान दो तीसरा नंबर क्वेश्चन पर समझ लो, ठीक है। जिनका सही बहुत अच्छा, नहीं सही देख लें। देखो बताया जा रहा है 9 जुलाई को सुन लो परचेज गुड फूड को परचेज किया जा रहा है राम मोहन, अरे या तो शांत रहो थोड़ा, ठीक है, फॉर रुपी 1 लाख, फॉर कैश एंड अकाउंट ऑफ रुपीज 5,000। मतलब क्लियर ये बता दिया जा रहा है कि मोहन से जो हमने माल खरीदा टोटल 1 लाख रुपए का ही खरीदा, फार कैश कैश नहीं बता रहा, छुपा हुआ है इसमें, एंड डिस्काउंट बता दे रहा है 5,000 मिला हुआ है। मतलब 1 लाख जब परचेज किया था
उसमें डिस्काउंट हमको मिला था कितने का, 5,000 का। तो रियल में कैश कितना दिया होंगे, 95,000। तो एक बनेगा क्या, तो पार्सल क्या कौन बनेगा जब पार्सल छूटता है तो। और पर्चेज एक्सपेंस इसीलिए डेबिट करेंगे कितने से, 1 लाख रुपए से, ठीक है। उसके बाद से कैश नगद में माल खरीदा था, और नगद कितना खरीदा था तो पता ही चल रहा है कि जब 5 डिस्काउंट मिले तो 95 का, और कैश रियल अकाउंट है और व्यापार से जा रहा है कैश, और इसलिए क्रेडिट कर देंगे कितना रुपए से, 95,000। और हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, और जब डिस्काउंट रिसीव होता है तो हमारे व्यापार के लिए इनकम होता है, और इनकम को नॉमिनल के रूप से क्रेडिट कर देते कितने रुपए से, 5,000 से। बस ये पहले का सलूशन समझे। अब दूसरे का सलूशन समझिए। देखो 10 जुलाई को क्या किया जा रहा है, सोल्ड को गुड्स बेचा जा रहा है, किसको, टू टीटी ट्रेडर्स को, फार कितना, 2 लाख, फार कैश एंड डिस्काउंट ऑफ ₹10,000 वाज अलाउड। मतलब जब हम डिस्काउंट जब हम लोग देते तो बोलते हैं डिस्काउंट, देखो मैंने बताया था जब भी सोल्ड बुक्स आ जाए तो वहां पे एक सेल्स का अकाउंट बनेगा, किसका बनेगा जी, सेल्स का अकाउंट बनेगा, सेम उसी पैटर्न पे है। तो सभी लोग तीसरा बना लिया, चौथा नहीं बना पा रहे हैं, सोल्ड किया जा रहा है तो सेल्स अकाउंट। सेल हमारे व्यापार के लिए नॉमिनल और इनकम है, और इनकम इसलिए क्रेडिट कर देंगे। अब पहले ही बता दे रहे टोटल सेल कर रहे कितने का कर रहे हैं, 2 लाख रुपए का, तो कहीं सोचना ही नहीं इसमें, सबसे यही गलती की है, ठीक है। कैश नहीं बता रहा, डिस्काउंट बता रहा कितना, 10, तो डिस्काउंट अलाउ बनेगा, और डिस्काउंट अलाउ हमारे व्यापार के लिए एक प्रकार का एक्सपेंस हो जाएगा, और इसलिए इसको डेबिट करेंगे कितने से, 10,000 से। और कैश आ रहा है, अब बताओ 10,000 छोड़ देंगे तो कितना आएगा, कि तो डेबिट होगा आएगा तो, और 1,90 से डेबिट कर देंगे। सेम वही पैटर्न है, वही क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग दिमाग नहीं लगा रहे। हो गया, समाया चारों क्वेश्चन, बोलो इन चारों का क्या मतलब समझा रहा ना आपको, नहीं चलिए, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन है, बना के दिखाइए तो।